अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कसम इन कुरान का सेकंड पार्ट। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना चाहते हो, फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा, कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके, और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा, फिर उनको दोजख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे, सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है। और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे, मुझे रुस्वा ना कीजो, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास बेरोग दिल लेकर आया वो बच जाएगा, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहाँ हैं, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे, और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल है जहन्नम होंगे। वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त, तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह ना हो, तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं, वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे, और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे।
फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे, फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं, और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। अल्लाह की कसम, हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको आरास्ता कर दिखाए, तो आज भी वही इनका दोस्त है और इनके लिए अजाब अलीम है। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी, और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा ना करना, और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई ना करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ऐ नबी, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और हमने उन बस्तियों को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो बस्तियां अब तक शाम जाने वाले सीधे रास्ते पर मौजूद हैं। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है, और हम इन कुफार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया, यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ न मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे, बस जो हुक्म तुमको अल्लाह की तरफ से मिला है वो लोगों को बेधड़क सुना दो और मुशरिकों का जरा ख्याल ना करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफी हैं जो तुमसे हंसी करते हैं, जो अल्लाह के साथ कोई और माबूद करार देते हैं, सो अन करीब उनको उन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहां तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए। कह दो कि भला देखो तो अगर उसका अजाब तुम पर नागहां आ जाए रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करते हैं? क्या जब वो आ वाके होगा तब उस पर ईमान लाओगे? उस वक्त कहा जाएगा क्या अब ईमान लाए, और इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अजाब दायमी का मजा चखो, अब तुम उन्हीं आमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। और ऐ नबी, तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है? कह दो, हाँ मेरे रब की कसम ये सच है। और तुम भाग कर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहाँ है जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा ना होगा कि कहें, अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे, देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे ज्यादा रहा। और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे, और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआवजा करेगा, तो उसका कफारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको ये मुयस्सर ना हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाजुआत में तुम्हें मुनसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। अल्लाह तुम्हारी लगव कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा,
लेकिन जो कसमें तुम कसदे दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है, और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है जानता है। इसमें कैसे बताया कि झूठी कसमें खाने से क्या होता है? झूठी कसम में जो खाता है उसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करते, इसलिए झूठी कसमें नहीं खानी चाहिए, सच्ची कसमें खानी चाहिए। और जो भी मतलब कुफ्र करता है, बुरे रास्ते पे चलता है, दूसरों को बुरे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, जो इबलीस होता है वो बहकाता है ताकि लोग बुरे रास्ते पे चले और लोग इबलीस के बहकावे में आ जाते हैं, तो वह जानबूझ के बहकाता है जिससे कि लोग बुरे रास्ते पे जाए और ऊपर वाले की इबादत ना करे और बुरे बुरे कामों में लग जाए। तो और इसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रखा है कि ऊपर वाला किसी भी बुरी चीज को माफ नहीं करता है, चाहे वो किसी भी चीज का कुछ भी हो, चाहे वो कसम ही क्यों ना हो। तो वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत ही नॉलेजेबल लगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।